नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली का कल का बयान भारत और पाकिस्तान के संबंधों को कठिन रास्ते की ओर ले जाने वाला हो सकता है। उनका बयान आपसी बातचीत को महत्व से परे होने के साथ उकसाने वाला ज्यादा है, जिससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से बने शांतिपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। ओली ने कहा है कि नेपाल काला पानी से भारत के सैनिकों को खदेड़कर वहां नेपाली सेना को तैनात करेगा। इसके लिए वे नेपाल की सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर हर वो कार्रवाई करेंगे जिससे काला पानी पर नेपाल का अधिकार बना रहे। यह एक तरह से भारत की सहनशीलता और नेपाल के प्रति उसको ज्यादा सिर पर चढ़ाने का परिणाम है। यह उस विश्वास पर घात भी है जो भारत आंख मूंद कर नेपाल पे करता रहा है। शायद यही वजह है कि आज नेपाल एहसान फरामोशी करके भारत को आंखें दिखा रहा है, भारत की सेना को ललकार रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब आपके इसी चैनल ने चीन द्वारा तिब्बत नेपाल सीमा में सड़क निर्माण के बहाने भैरवा में उसकी 36 हेक्टर भूमि पर कब्जा करने का खुलासा किया था, उसके एक हफ्ते बाद यानी 16 नवंबर को यहां आंदोलन हुआ। मतलब चीन के खिलाफ आवाज उठाने में और सोचने में इन्हें एक हफ्ते का वक्त लग गया, जबकि भारत पर बेफिजूल का आरोप लगाकर काला पानी के बहाने चीन ने इन्हें भारत के विरुद्ध उकसाया है। चीन ने अपने द्वारा किए गए अतिक्रमण से ध्यान हटाने के लिए रुख भारत की तरफ मोड़ दिया और सोनाली बॉर्डर पर कम्युनिस्ट छात्रों से भारत के खिलाफ नारेबाजी करा दी। काला पानी भारत का है या नेपाल का, इसका हल बातचीत से ही निकल सकता है। तनाव पैदा करने वाले बयान देकर यह मामला और उलझ जाएगा। वैसे भी भारत की सेना अब पहले से ज्यादा आक्रामक है। नेपाल द्वारा उठाया गया कोई भी कदम अपने ही दो भाइयों के रक्त पर जाकर खत्म होगा। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा नेशनल यूथ एसोसिएशन की पहली बैठक को संबोधन के दौरान ओली का निशाना भारत ही रहा, चीन के प्रति उनके स्वर ढीले रहे। यह नेपाल के इस प्रधानमंत्री का चीन की ओर झुकाव स्पष्ट करता है। उन्होंने चीन द्वारा कब्जाई गई 36 हेक्टर जमीन का जिक्र तक करना गवारा नहीं समझा, बल्कि अपनी सारी भड़ास भारत के खिलाफ निकालते रहे। बड़ी बात यह है कि उन्होंने आपसी बातचीत के माध्यम से मुद्दे को हल करने को लेकर भी कूटनीतिक शब्दावली का प्रयोग तक नहीं किया। यह उनके अपरिपक्व नेता होने को भी दर्शाता है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत द्वारा अपडेटेड राजनीतिक नक्शे के बाद से ही काला पानी पर विवाद चल रहा है। नेपाल लिंक्यूधुरा काला पानी और लिपुलेख को भारतीय सीमा में शामिल करने का विरोध कर रहा है। नेपाली कांग्रेस से जुड़े संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ ने कल फिर से लैनचोर स्थित भारतीय दूतावास के समक्ष प्रदर्शन किया। यह सब कुछ चीन के इशारे पर हो रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि इन संगठनों को चीन की ओर से वित्तीय मदद मिल रही है। खास बात यह है कि इसी संगठन ने चीन के विरुद्ध हुंकार तक नहीं भरी है, जबकि 36 हेक्टर जमीन चीन द्वारा कब्जाने की घटना को नेपाल का राष्ट्रवादी मीडिया जोर शोर से उठा रहा है, पर यह संगठन पूरी तरह खामोश है। पर मामला यहां तक नहीं है। नेपाल और भारत के संबंध ओली सरकार के सत्तासीन होने के बाद से ही ठंडे बने हुए हैं। यदि नेपाल सीमा पर किसी तरह की उकसावे की कार्रवाई करता है तो यह उसके लिए आत्मघाती कदम हो सकता है। ऐसी आशंका है कि पाकिस्तान की आईएसआई भी इस सरकार के भीतर भारत विरोधी माहौल तैयार कर रही है, यानी चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ यहां भी भारत को परेशान करने की कोशिश में है। पर इससे तर नेपाल दोनों देशों के हाथों में खेल रहा है और अपने सबसे बड़े शुभचिंतक और बड़े भाई देश के प्रति वैर की भावना को बढ़ावा दे रहा है। इस तरह की बयानबाजी से दोनों देशों के बीच के रिश्ते और अधिक कमजोर हो सकते हैं। संभवतः इसका ज्यादा नुकसान नेपाल को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि वे ऐसी हरकतों के कारण चीन पर ज्यादा आश्रित होगा, जिसका परिणाम उसे मालदीव, श्रीलंका या पाकिस्तान की तरह नुकसान उठाकर चुकाना पड़ सकता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।